गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हमको हो गया है 116 दिन डेली व्लॉग करते हुए। अभी आई विल हैव माय ब्रेकफास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट माय डे, एंड उसके बाद आई विल शो यू हाउ टू मेक डाइट वाला चिकन, व्हाट ऑयल टू यूज, व्हाट मसाला टू यूज, एंड वो मैं अभी काफ़ी दिनों से खा रहा हूँ सेम मील, आप मेरे व्लॉग्स में देख ही रहे हो। एंड अगर आप भी चिकन खाना चाहते हो बट इन ए हेल्दी वे, सो आप बने रहिए, ठीक है। थोड़ा ना फनी सीन हो गया। मैंने सुबह चिकन मंगाया था आधे घंटे पहले और अभी जस्ट 10 मिनट पहले ही आया था। मैं फिर किचन में गया जीतू भाई को बोलने कि भाई जब चिकन आएगा तो कि बता दो, चल एक बार जब चिकन को यू नो धोगे एंड मैरिनेट करोगे तो बता देना, मेरे को वीडियो बनानी है कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जस्ट मैं सोच ही रहा था, एंड मैं किचन में जा रहा हूँ, देखा चिकन तो पड़ा नहीं है। मैंने फ्रिज खोला, 10 मिनट के अंदर ही, मैं जस्ट ब्रेकफास्ट का बोलने गया था कि दे दो खाना, एंड देखा कि जीतू भाई ने पूरा 2 किलो चिकन पहले ही मैरिनेट कर लिया, वही 5 मिनट में। बट अभी जाके हम पूछते हैं कि क्या क्या डाला, क्या क्या नहीं डाला, कितना नमक मसाला कौन सा यूज़ कर रखी है। 4 दिन तक मेरा वो चिकन ख़त्म नहीं होगा, 4 दिन तक मैं दिखा नहीं पाऊँगा कैसे मैरिनेट करते हैं। बट आई थिंक आप लोग इतने समझदार हो, बस चिकन आएगा उसे धोने गए, चिकन ब्रश लेनी है उसे धोने गए, उसके बाद जो मसाले डालने हैं वो है ये चिकन तंदूरी मसाला, ये हल्दी, ये धनिया पाउडर, ये लाल मिर्ची, एक नमक, अब बस चिकन तंदूरी मसाला हो गया। एंड मेक श्योर अगर आपने चिकन उसी टाइम खाना है सो मेक श्योर थोड़ा आधे घंटे घंटे का डिफरेंस दो, सो डेट मसाले उसमें रच जाएं, उसमें मिक्स हो जाए, एंड आपको उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा जितना टाइम आप उसे मैरिनेटेड रखोगे। एंड जब चिकन को उठाओगे तो उसके बाद क्या करना है, जो वो आपका पैन होगा उसमें डालनी है अपनी सब्जियां, एंड उसमें कर लेना है रोस्ट सब्जियों को, सो डैट वो थोड़ी और करारी हो जाए, एंड थोड़ा वो यू नो मसाला मसाला रह जाएगा पैन में, उसमें फिर और ज़्यादा टेस्ट आएगा आपको खाने में। मैं वीडियो में आज मैं आपको किचन में बताने आ रहा था कि चिकन को ना मैरिनेट मत करना, कि मेरे को वीडियो बना के लोग पूछते हैं ना कैसे बनाते हो, रेसिपी क्या है। मैं फ्रिज खोला, मैं कहा पहले ही आपने मैरिनेट किया हुआ है 5 मिनट में। नहीं नहीं, बट जो आपने बोला वही डालते हो ना। ब्रेकफास्ट भी आ गया, विच इज 6 eggs विद 2 tablespoons ऑफ घी। इसमें मेरे को अप्रॉक्स 36 grams ऑफ प्रोटीन सुबह सुबह ही मिल जाता है, विथ गुड अमाउंट ऑफ फैट्स, जिसको मैं एज ए एनर्जी यूज़ करूँगा, बिकॉज माई बॉडी इज़ वर्किंग ऑन कीटोसिस। कीटोसिस मतलब जब आपकी बॉडी ग्लूकोज की जगह फैट से एनर्जी बना रही हो। How's it going down there, liver? Well, we're out of glycogen, but we're into ketosis, and for fuel, we're burning maximum body fat. And मैं कीटोडाइट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब हमने ये चैलेंज वीडियो स्टार्ट की थी तो मेरे बॉडी में फैट बहुत था, पेट पे था, ये पूरा इधर था, इधर एक्स्ट्रा फैट था, सो वो फैट को मैंने पूरा निकाला है ये 116 दिन में थ्रू कीटोसिस, एंड वही फैट मेरे को एनर्जी दे रही थी, एंड एक बंदा फैट बर्निंग मशीन बन जाता है, एंड आपको अलग से वो फेक से सप्लीमेंट नहीं लेने पड़ते फैट बर्नर एंड ऑल, कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होते वो सब चीज़ें। सो इट्स बेटर कि आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप कैसे बन सकते हो फैट बर्निंग मशीन। कई लोग बोलते हैं कि कीटो इज़ नॉट सस्टेनेबल इन इंडिया स्पेशली, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ खाने को मिलता नहीं है इधर, इतने सारे स्नैक्स हैं नहीं कीटो के रिलेटेड। बट फॉर मी आई फील लाइक अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो अपनी लाइफ में, एंड आपको पता है कि पॉसिबल है, एंड फिर वो सस्टेनेबल वाले पार्ट आता नहीं है। 116 दिन हो गए मेरे लिए तो सस्टेनेबल है, मेरी तो एनर्जी इतनी हाई है, मैं 6 अंडे खा के जिम भी जाया हूँ, कैलिस्थेनिक्स भी जाया हूँ, फिर जाके भी खाना खाऊँ ना तो भी चलेगा, क्योंकि वो फैट्स जो इतना स्टोर्ड है नहीं, मतलब तो भी नहीं चलेगा, मतलब मैं कॉफ़ी में 2 चम्मच घी डालूँगा सो डैट एक्स्ट्रा फैट और मिले, एंड मेरे को एनर्जी विद टाइम मिलती रहे। थोड़ा स्लो प्रोसेस है फैट को एनर्जी बनाने का, ग्लूकोज का ऐसा होता है ब्रेड खाए चावल खाए तो आपको वो इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी, बट फॉर मी ग्लूकोज इज़ लाइक पेपर, कि अगर एक पेपर को आग लगा दो तो वो उसी टाइम बर्न हो जाता है एंड उसी टाइम ख़त्म हो जाता है, एंड फॉर मी फैट से एनर्जी लेना इज़ लाइक
यहाँ पे कोले को आग लगा रहे हो एंड वो आग काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। आग का मतलब फॉर मी इज़ एनर्जी, कि आपकी एनर्जी एक लंबे टाइम तक रहती है एंड आपका दिन एक बहुत एनर्जेटिक वे में निकलता है। एंड उसी के लिए तो हम करते हैं डाइट, कि हम लेजी ना फील करें, हम ऐसे ना बैठे रहे, हमको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए दो दो घंटे में, एक एक घंटे में, विच इज़ नॉट गुड। डिपेंड करता है कि आप कौन सी डाइट फॉलो करना चाहते हो। एंड फॉर मी राइट नाउ कीटो इज़ द बेस्ट डाइट, क्योंकि मैं वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बट कई लोग होते हैं जिनसे वो नहीं खाई जाती, बट फॉर दोज एज वेल मेरे को कार्ब्स वाली डाइट भी आती है एंड वेट टाइम मैं वो भी स्टार्ट करूँगा, जिसमें हमारे ओट्स रहेंगे, ब्लूबेरीज रहेंगी, केला कुला रहेगा, पीनट बटर रहेगा। बट वो भी एक टाइम पे डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले वही फॉलो की थी। एंड डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा खाना पड़ता है, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स इज इक्वल टू 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी एंड 1 ग्राम फैट्स इज इक्वल टू 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, विच इज़ डबल, डबल से एक पॉइंट ज़्यादा। सो मैं अभी कीटो पे हूँ, बाकी मेरे को कार्ब्स वाली डाइट भी आती है। ऐसा नहीं है कि भाई कीटो कीटो, नो नो ब्रो, ग्लूकोस भी मैं करता हूँ। बट बेस्ट वे क्या होता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट, कि वो उसका गोल क्या है। अगर वेट लॉस है फिर तो मैं फॉर श्योर कीटो रिकमेंड करूँगा, क्योंकि भाई वेट लॉस है एंड मैं भी चाहता हूँ मेरे क्लाइंट्स को जल्दी फ़र्क पड़े एंड जल्दी वो पतले हो जाए। उसके बाद ऐसा नहीं है टाइम लिमिट ख़त्म हुआ, कुछ भी खा लो अभी, नो। उसके बाद एक क्लीन डाइट दूंगा कार्ब्स वाली। तो टाइम से जिम चले गया था एंड यहाँ पे शोल्डर प्रेस के मैं 28 किलो उठा रहा हूँ एंड मेरे को ऑफ कोर्स हेल्प तो चाहिए, हमेशा हेल्प रखो अगर आप थोड़ा सा भी वेट ज़्यादा रखो। सो बेसिकली मेरे को हेल्प चाहिए थी कि जब मैं ऐसे करूँ तो मैं वेट को ऐसे ना गिर दूँ, ठीक है। साथ में हेल्प करी आ रहा, मैं कह नहीं ब्रो नहीं चाहिए हेल्प। एंड जब बंदा थोड़ा सा भी उस टाइम पे टच कर दे, क्योंकि मैं अपना पूरा जोर लगा रहा होता हूँ, फिर मेरे को इतना अंदर से गुस्सा हो रहा था ना कि उसी गुस्से में मैंने अगला सेट लगा लिया। उसके बाद भाई ने फिर टच किया, मैंने फिर से अगला सेट लगा लिया। मतलब अपना गुस्सा यूज़ करो गाइस। बट नहीं नहीं, ब्रदर ने हेल्प किया, थैंक यू सो मच। मैंने स्पेशल पहले बोल दिया था भाई 28 लगाऊंगा, हेल्प कर दियो। पहले 30 का प्लान था, बट मैंने सोचा थोड़ा 4 से ज़्यादा तो लगे उतना वेट उठाता हूँ पहले, नहीं तो मैं 24 या 26 ही उठाता था, जिसके मैं 12-12, 15-15 लगा देता था। बट अभी थोड़ा टाइम आ चुका है कि मसल ब्रेक डाउन करे। उसके बाद मिलिट्री प्रेस लगा रहा था, 8 रेपिटेशन 8 8 8, वेट ही थोड़ा ज़्यादा बढ़ा रहा था। एंड उसमें मैं ट्राई कर रहा था कि ऐसे वाला ना करूं, कि मतलब अपने नीज की हेल्प से नीचे से ऊपर वेव ना लेके आऊं, लोग पूरा वेव लेके आते हैं, बट वो भी एक्सरसाइज ठीक होती है। बट अगर आपने स्ट्रिक्ट वाला करना है सो मेक श्योर कि सिर्फ हाथ का यूज़ हो, आपके शोल्डर का यूज़ हो, पूरी बॉडी का यूज़ ना हो। अगर पूरी बॉडी का यूज़ करना है तो मेक श्योर वेट ज़्यादा डालो ब्रो, मतलब साथ में 20-20 किलो डालो या 25-25 किलो डालो, सो दैट आपकी वेव काम तो आए एंड आपका शोल्डर भी अच्छे तरीके से बिल्ट हो, बट वो एक्सरसाइज अलग रहती है। उसके बाद मैंने लगाया था साइड लेटरल्स, इस पर मैंने डंबल्स नहीं लगाए, मैंने सोचा मशीन लगाते हैं तो जस्ट फॉर द चेंज। तो मशीन पे पूरा जोर पड़ रहा था, आप मेरे शोल्डर्स देख सकते हो ध्यान से, अभी फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो चुका है एंड मेरे को भी एक्सरसाइज करने में और मज़ा आने लग गया, और ज़्यादा वेट उठाने में और मज़ा आने लग गया। उसके बाद मैंने लगाए थे फ्रंट पे ब्रो, मसल दिख रहा है। मतलब जब बॉडी पंप हो जाती है ना उस टाइम पे, एक नेचुरल बंदे की बॉडी देखो तो भाई क्रेजी लगती है, एंड घर जाके जब सुबह उठो तो उतनी क्रेजी नहीं लगती है। लास्ट में मैंने क्लोज ग्रिप या एक आधी और एक्सरसाइज की थी, जिसकी मैंने सिर्फ दो दो सेट लगाए थे जस्ट फॉर टाइम पास, 45 मिनट्स मेरे हो गए थे। उसके बाद मैं आ गया हूँ घर फाइनली, नाउ आई विल हैव माई प्रोटीन, उसमें डालेंगे 5 ग्राम क्रिएटिन एंड उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, अभी लेटूँगा क्योंकि मेरी 2 घंटे की नींद पेंडिंग है, 8 घंटे मैं सो लिया था, सोऊंगा नहीं। बट अभी कल थोड़ा लेट सोया था, मतलब 1 बजे सोया था, मैं ट्राई करूँगा आज 12 बजे सोने की, क्योंकि 10 घंटे की नींद इज़ वेरी इम्पोर्टेंट राइट नाउ। एंड दूसरे वर्कआउट में भी, कैलिस्थेनिक्स में भी मेरे को अपना 100% देना है, क्योंकि नाउ आई कैन सी द चेंज। एंड जब चेंज दिखना स्टार्ट हो जाता है तब आप हमेशा ऐसे ही सोचोगे, कभी ऐसा नहीं सोचोगे। लंच भी आ गया मेरा, जो कि मैं बेस्ट टाइम पे कर रहा हूँ। 200 ग्राम चिकन एंड सम वेजेस। एक घंटा जो बढ़िया नींद आई है ना ब्रो, तो मेरे पास 45 मिनट्स है टू गेट रेडी एंड गो फॉर माई कैली क्लासेस।
सही बोला था आपने, खत्म। आज का सेशन इतना ज्यादा इंटेंस था भाई, बेहोशी हो रही है मेरे को, एंड मैं प्रोटीन भी नहीं लेके आया हूँ। सबसे वर्स्ट पार्ट होता है कि मेरे को मेट्रो में ऐसे आना पड़ता है, क्योंकि ये पसीना है पूरा जो पूरे बालों में भी रच जाता है, वहाँ पे ड्रायर ड्रायर भी नहीं होता। सो मैं क्या देखी जाएगी भाई, ऐसे ही चल पड़ो, चुप हो के बैठा रहता हूँ गाने लगा के। बहुत थक गया आज, बहुत थक गया हूँ आज। कोई रीज़न के कारण दोपहर को मेरा बहुत सर दर्द हो रहा था, तो मैं सो गया था, एंड उठने के बाद फिर से हो रहा था, बट मेरे को पता था थोड़ा हाँ थोड़ी सी मैंने कॉफ़ी पी थी, उसके बाद थोड़ा सा ठीक हुआ, फिर उधर थोड़ा वार्म अप के टाइम पे थोड़ा सा और ठीक हुआ, अभी वापस आया हूँ, फिर से थोड़ा अंदर पता नहीं क्या दर्द सा हो रहा है, बट चलो कोई बात नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है, एंड आई नो सो के ठीक हो जाएगा। सडनली दो वर्कआउट वो भी हाई इंटेंसिटी पे स्टार्ट कर दिए, दो दिन ही हुए हैं, जिम में भी काफ़ी पुश कर रहा हूँ, आज तो ज़्यादा ही कर लिया था, एंड डिनर भी आ गया मेरा सेम ही एज ऑलवेज। अभी का टारगेट ऐसा कुछ थोड़ा, मैं कैलरीज डेफिसिट पे चल रहा हूँ, सो डैट एक बार प्रॉपर श्रेडेड वाली कोर स्ट्रॉन्ग हो जाए, श्रेडेड वाली लुक आ जाए। आज जिम में भी मेरे को लोग बोल रहे थे, जो काफ़ी टाइम बाद भी नहीं रोज़ ही देखते हैं, बट मेरे को ऐसा बोला भाई कटिंग वगैरह आ गई है, हैं क्योंकि हमें खुद को नहीं पता लगता, मेरे को चलो ट्रांसफॉर्मेशन की क्लिप्स देख के पता लग जाता आप लोगों को भी, बट सडनली कोई बोले ना तो और अच्छा सा लगता है। तो उस टाइम पे काफ़ी बढ़िया लगा, एंड जिम में और पुश किया सको एक्स्ट्रा बात सुन के, मे बी डैट्स वाई सर तो नहीं तब तो नहीं लगा। बाकी डैट्स इट फॉर टुडे, डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब यार, ऐसा फेमस फैम।